रेगता 3 साल बाद जिसने रेगता लगा है इस बार बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है और आज लास्ट डे है और संडे भी है तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे क्या सीन होगा बट आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि नसरुद्दीन शाह आने वाले हैं मुझे तो इतना ही मालूम है अभी तक बस मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए उसके लिए एंड ठीक है पहले रेडी हो जाते हैं उसके बाद आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हाय गाइस, सो घर से ना जो मैंने वो शूट किया उसके बाद मुझे बिल्कुल भी कैमरा पकड़ने का टाइम नहीं मिला। वाओ, आई मीन सनलाइट में क्या ग्लो आ रहा है ना। मीट मनी मेरे ब्लॉग में काफ़ी टाइम के बाद आई है। अच्छा ठीक है, नहीं थी मुश्किल, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है वहाँ का लिख दिया। हम लोग जैसे तैसे अंदर पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, संडे है, मतलब कोई भी जगह यहाँ पे खाली नहीं दिख रही है। मेरे को समझ नहीं, मैं फोटो खालूंगी यार, कितनी अच्छी दिख रही है। अरे बहुत मजा आ रहा है यार, अभी यहाँ पे क्या है, उर्दू सेलिब्रेशन है, इसको और पहले समझ जाए। ओके, सो अभी ना मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं और बहुत सारी डेकोरेशन वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग वैसे भी नहीं देख पाओगे बिकॉज आज लास्ट डे है, तो हम ही आप लोगों को दिखाएंगे। खोने से हम इतना डरते थे, गुस्सा भी होते तो बातें करते रहते थे, एक दूसरे को खोने से हम इतना डरते थे, एक दूसरे को खोने से हम इतना डरते थे, गुस्सा भी होते तो बातें करते रहते थे। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं, मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं, कातिल की तलवार से पहले आंसू निकले। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं, कातिल की तलवार से पहले आंसू निकले। क्या आप नहीं चाहते कि हम विक्रम मैरावी साहब को कुछ, उनका कुछ कलाम किसी और दिन के लिए अपनी प्यास बदला लगे? अभी हमारे एक शायर बाकी है दोस्तों, अच्छी शायरी की ये खूबी होती है वो जितनी कम सुनी जाए उतनी ज्यादा अच्छी है। से वापस आ गए हैं एंड हम शूट नहीं कर पाए बिकॉज़ बाद में बता दूंगी घर पहुंच के। फिलहाल हम लोग नेहरू प्लेस आए हुए हैं क्योंकि हमें बहुत देर भूख लगी है, वहाँ कुछ खा नहीं पाए थे, सो देखते हैं यहाँ क्या खाते हैं। तुम लोग ही वैसे नहीं खाते ये इनको बोलना, वो मैं स्टोरी घर पे जाके पूरी बताऊंगी क्या हुआ था, एवरीथिंग।
गाइज हम यहाँ आ तो गए हैं बट इतना सोचने में हम लोग 15 मिनट्स वेस्ट कर देते हैं ना हमेशा का। अभी क्या खा रहे हैं? तो मैं सोच रही हूँ बर्गर विद कोल्ड कॉफ़ी। श्योर? हमेशा की तरह बर्गर सोच के आते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे बट यहाँ पे आके सिर्फ बर्गर। भर गया पेट, कुछ सुकून आया गाइस। ये परेशान हो रही थी 2 घंटों से, अब सारा खा रही है बैठ के। चक्कर आ रहे थे गाइस, आई एम एट होम और मैं बोलना चाहूँगी जसने रेखता ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैंने पता नहीं क्यों मिस किया इतने सालों से बट आज मैंने विज़िट किया और बहुत मज़ा आया। नसरुद्दीन शाह आए थे एंड उनकी वाइफ भी आई थी बट मैं उन्हें नहीं देख पाई, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बट हमने यंगस्टर्स के पोएट्स सुने हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की है व्लॉग में ऑलरेडी। एंड हम लोग वहाँ पे कुछ खा नहीं पाए बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग एक चीज़ सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे हम क्या खाएं। तो हमने फिर नेहरू प्लेस में आके खाया और हम लोगों की बहस भी हो गई थी खाने के पीछे कि अरे मतलब कोई एक बंदा एक चीज़ सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि क्या खाना है। सो कोई बात नहीं, फिर हमने नेहरू प्लेस में खा लिया, बहुत बुरी हालत हो गई थी बट जैसे देखता मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। हमारा तो फर्स्ट टाइम था इस, मैं थक गई हूँ यार बाहर से। सो हमारा तो फर्स्ट टाइम था लेकिन अगली बार से ज़रूर विजिट करेंगे यार। मतलब वहाँ पे जो टीवी लगी थी ना जिसमें दिख रहा था, उसके सामने लोगों की भीड़ लगी थी आराम से, वो जमीन पे बैठ के क्राउड इतना था ना लाइक हेल, बंदा पागल हो जाएगा जिसे आदत नहीं है क्राउड वगैरह में रहने की। हम दोनों तो बहुत इरिटेट हो चुके हैं, सेलिब्रिटीज को कौन नहीं देखना चाहता, हम भी देखना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली बहुत भीड़ थी, क्या करें। बट नेक्स्ट ईयर से जरूर जाएंगे, जैसे एक तो 3 साल बाद भी तो हो रहा था, दैट इज ऑल्सो पॉइंट इतनी भीड़ का। चलो गाइस ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग, भाई रुक जाओ, दैट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग, बाय बाय बाय। और व्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, बाय।